डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ग्रुप के कंटिन्यूशन में आज हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट पॉइंट ग्रुप, दैट इज ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप, और इसका एग्जाम्पल है SF6। अब ये ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप होता क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है। तो देखिए, SF6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलती है, और SF6 का मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से। ये बीच में जो सेंटर में ग्रे कलर है वो एस है, ये दोनों ऑपोजिट एफ है, ये दोनों ऑपोजिट एफ है, और ये दोनों ऑपोजिट एफ हैं। तो ये होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें एक ये रेक्टेंगुलर शेप होती है। जैसे अगर हम इसे कॉपी पर बनाना चाहें, तो कॉपी पर हम कैसे बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल को, कि आपने सिंपल ये एस यहाँ पर ले लिया इस तरीके से, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, और यहाँ पर इस तरीके से ये एफ हो जाता है। तो ये हम एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री निकल के आती है ऑक्टाहेड्रन में से। ऑक्टाहेड्रन, देखिए दो वर्ड्स होते हैं ये, ऑक्टाहेड्रल और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रन। तो ऑक्टाहेड्रन जब हम इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब हमने क्या करा है, जितने भी ये एफ एटम्स हैं इन सबको आपस में ज्वाइन करा दिया है। यानी ऑक्टाहेड्रन, पॉलीहेड्रन मतलब होता है कोई भी स्ट्रक्चर जो क्लोज्ड हो, जो बंद हो जाए। मतलब अगर हम क्या करें, जो हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक, अगर इस स्ट्रक्चर में ये जितने भी एफ एटम हैं इनको हम आपस में ज्वाइन कर दें। सपोज देखिए, जैसे ऊपर वाला एफ एटम है, इसको हम इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे ऐसे ज्वाइन कर दें, और फिर इन चारों को भी आपस में ज्वाइन कर दें, फिर नीचे वाले एटम को भी इन चारों से ज्वाइन कर दें, तो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर हमारे पास निकल के आएगा। जो वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर निकल के आएगा, बस हम उसी को ऑक्टाहेड्रन बोल देते हैं। ठीक है, ये कैसे, अगर हम इसको कॉपी पर बनाएंगे, तो ये देखिए, ये एफ को अगर मैं इससे मिलाऊं, फिर ये एक एफ इससे मिलाए, एक एफ इससे मिलाए, और एक एफ इससे मिलाए, ठीक, तो ये तो एक स्क्वायर शेप बन गई। ठीक, फिर क्या होगा, जो ये ऊपर वाला एफ है, इसको भी हम इस वाले एफ से, एक बार इस वाले एफ से, फिर नीचे वाले एफ से, और फिर इस वाले नीचे वाले एफ से, फिर इस वाले एफ को एक बार इस एफ से, इसको इससे, फिर इसी को इस वाले से, और इसी को इस वाले से। तो इस तरह से जो ज्योमेट्री निकल के आती है उसको हम बोल देते हैं ज्योमेट्री कैरी, मतलब जो इस तरह से स्ट्रक्चर, जो क्लोज स्ट्रक्चर निकल के आता है उसको हम बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रन। और इस ऑक्टाहेड्रन में 6 कॉर्नर्स होते हैं, और वो कॉर्नर्स कौन से होंगे, जहाँ पर भी ये फ्लोरीन एटम्स हैं, बस ये हमारे जो होते हैं वो 6 कॉर्नर्स कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पर इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देख सकते हैं, जितने भी एफ एटम हैं वो हमारे जो होंगे इस ऑक्टाहेड्रन के जो होंगे वो 6 कॉर्नर्स कहलाएंगे। 12 एजेस कैसे हो गई, जो भी बॉन्ड जोड़ रहे हैं, जो भी लाइंस मतलब इन एफ एटम्स को जोड़ रही हैं, वो सारी लाइंस को अगर हम काउंट करें, देखिए सबसे पहले मैंने ये एक स्क्वायर बनाया था, तो यहाँ पर मिली थी हमें 4 लाइंस, यानी कि 4 एजेस। फिर मैंने इस एफ एटम को इन जो नीचे वाले चारों एटम्स हैं उनसे, यानी स्क्वायर वाले जो चारों एटम्स हैं उनसे ऐड कर दिया था, तो इसका मतलब फिर से हमें 4 एजेस मिली, और फिर नीचे वाले एफ एटम को भी इन चारों से ऐड कर दिया था, तो हमें कुल मिलाकर यहाँ पर 12 एजेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर 8 ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं। अब 8 ट्रायंगुलर फेसेस कैसे हुई, 8 ट्रायंगुलर फेसेस ऐसे होती हैं कि जब ये एफ एटम एक बार इस वाले एफ एटम से और इस वाले एफ एटम से मिलेगा, तो ये जो एक ट्रायंगुलर फेस यहाँ पर, ये पहली ट्रायंगुलर फेस हमें दिखाई देगी, ठीक है। फिर ये जब एफ एटम इस वाले एटम से और यही एफ एटम इससे मिलेगा, तो हमें ये दूसरी जो है ट्रायंगुलर फेस मिलेगी, ठीक है। फिर यही एफ एटम हमारा इससे और इससे मिल सकता है, तो हमें तीसरी जो है अपनी ट्रायंगुलर फेस मिलेगी, और फिर यही एफ एटम जब इससे और इससे मिलेगा, तो हमारी चौथी होगी। तो यानी ऊपर वाला एफ एटम इन चारों के साथ 4 फेसेस बना सकता है, ट्रायंगुलर फेसेस, और नीचे वाला एफ एटम भी इन चारों के साथ जो है 4 ट्रायंगुलर फेसेस बना सकता है। जैसे अगर हम इसमें देखें, अगर हम इस एटम को इससे और इस एटम को इससे मिला, तो देख रहे हैं आप, ये एक ट्रायंगल बन के आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं इसको, स्ट्रक्चर को अगर मैं आपके सामने ऐसे रख दूं, तो देखिए ये सारे स्ट्रक्चर, ये लाइन, ये लाइन, ये पूरी एक ट्रायंगुलर फेस बन रही है। ऐसे ये वाली इसको मिला दे, तो ये ट्रायंगुलर फेस बन रही है, इधर भी ट्रायंगुलर फेस बन रही है, और इधर भी ट्रायंगुलर फेस बन रही है, और ऐसे ही नीचे वाली भी, नीचे को भी अगर हम मिलाएं, तो इस तरह से ऊपर से भी 4 ट्रायंगुलर फेस बनती आती है, और नीचे से भी 4, तो कुल मिलाकर 8 ट्रायंगुलर फेसेस इसमें होती हैं। तो ये होती है हमारा एक ऑक्टाहेड्रन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारे कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम देखें, तो इसमें जो हमारी C4 एक्सिस है, वो यहाँ पर 3 C4 एक्सिस प्रेजेंट है। अब वो 3 C4 कैसे हुई, देखिए 3 C4 हम यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं कि पहली C4 जो है वो इस तरह से, अगर हमारे पास ज्योमेट्री ऐसे है, हमने ऐसे रखा हुआ है, तो ये पहली C4 है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसके अलोंग
मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो क्या होगा, ये एटम जो है और कौन से एंगल पर रोटेट करें, 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर रोटेट करने से हमें C4 एक्सिस मिलती है, ठीक है। तो 90 डिग्री पर रोटेट करने का मतलब है इसमें और इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री का, ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का है। तो अगर मैं इसके अलोंग इसको घुमाऊं, ये हमारा ऐसे है, ये हमारी C4 एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से। तो यानी आप इमेजिन कीजिए कि आपकी तरफ आती हुई हमारी C4 एक्सिस है। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट करूंगी तो मैं कुछ इस तरह से रोटेट कर दूंगी, तो मॉली हमें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये हो गई हमारी पहली C4। अब दूसरी C4, यानी कि पहली C4 थी हमारी ये, जो मैंने ये एटम्स इस तरह से पकड़ लिए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो बस ये इस तरह से थी। और आपने देखा यहाँ पर एक जो है एक स्क्वायर हमें देखने को मिल गया, अगर आप चेक करें कि ये ऑक्टाहेड्रन का स्क्वायर जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी C4 कैसे कर सकते हैं, ये दूसरी C4 ये है, अब हमें स्क्वायर कहाँ देखने को मिलेगा, ये और ये और ऐसे, जो ये बाकी के चार एटम्स बचे हैं वो आपस में स्क्वायर बनाएंगे। तो यानी कि अगर मैं अब हमारी C4 कौन सी मानी जाएगी, अब ये वाली एक C4 भी है, यहाँ पर भी ये भी प्रेजेंट है, क्योंकि अगर इसके अलोंग मैं घुमाऊंगी मॉलिक्यूल को तो हमें फिर से इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर तीसरी C4 क्या होगी, तीसरी C4 अगर मैं ऐसे पकड़ लूँ तो ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, मतलब ये एक एज, ये भी एक एज, ये एक एज, यानी कि यहाँ पर हमें एक स्क्वायर फिर से देखने को मिला। तो हमारी तीसरी C4 हो गई ये वाली, यानी अगर मैं इसके अलोंग इसको घुमा दूँ तो भी हमें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन यहाँ देखने को मिलता है। तो आपने सिर्फ इतना चेक करना है कि हमें एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हुई क्या। आपके सामने अभी मैंने रखा भी था कि ये इस तरह से एक स्क्वायर है और ऊपर से इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो यही हमें ढूंढना है कि C4 हमें हमेशा यहाँ पर स्क्वायर में देखने को मिल, मतलब ये वाली जो लाइन हो गई वो हमारी जो कहलाएगी वो हमारी C4 एक्सिस हो जाएगी। तो अगर हम टॉप ऑपोजिट कॉर्नर्स को अगर हम पकड़ लें तो वो जो ऑपोजिट कॉर्नर्स जो पकड़े हुए हैं बस वही उसी लाइन में हमें अपनी C4 देखने को मिल जाएगी। जैसे हमें पहली C4 यहाँ मिली, फिर मैं अगर ऑपोजिट कॉर्नर्स इनको पकड़ लूँ तो दूसरी C4 हमें ऐसे मिल जाएगी, फिर अगर मैं इन ऑपोजिट कॉर्नर्स को पकड़ लूँ तो तीसरी C4 हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारी तीन C4 प्रेजेंट है। तो एक जो मैं जब ये पहला वाला आपको दिखा रही थी, तो अगर आप पहली C4 समझ जाएंगे तो बाकी दोनों C4 आप इजीली समझ सकते हैं कि ये वाली C4 कैसे हुई, कि इसके जो परपेंडिकुलर है, मतलब नीचे, जैसे ये तो हमारी C4 ऐसे थी और इसके परपेंडिकुलर क्योंकि एक जो है स्क्वायर शेप बन रही थी, और स्क्वायर में हमेशा 90 डिग्री का एंगल तो होता ही है। तो आप इसको आराम से अगर आप 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, सपोज ये था हमारा मॉलिक्यूल, तो 90 डिग्री पर अगर आप रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे तो हमें जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल इक्विवेलेंट देखने को मिलता है। तो इसलिए हम इसको C4 मान के चल रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री पर रोटेट करने से हमें C4 एक्सिस मिल रही है। तो ये तो हो गई हमारी तीन C4, पहली ऐसे, दूसरी ऐसे और तीसरी ऐसे, यानी कि फिर से एक बार देख लें, पहली ऐसे, फिर दूसरी ऐसे और तीसरी इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें C3 एक्सिस। अब C3 एक्सिस देखने के लिए हमें स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा मतलब टिल्ट करना पड़ेगा, आप ये कह लीजिए। अब आप अगर इसमें देखें तो मैंने आपको बताया था C3 एक्सिस हमें कहीं पर भी अगर ट्रायंगल देखने को मिलता है, तो अगर देखिए ये मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से रख दूं तो हमारा जो है नीचे की साइड अगर आप देखें तो ये ट्रायंगुलर फेस बन के आ रही है। देखिए अगर मैं मॉलिक्यूल को यहाँ रख देती हूँ इस तरीके से, तो ये एटम हमारा यहाँ पर है, एक एटम हमारा यहाँ है और एक एटम हमारा यहाँ है, और इन एटम्स को अगर मैं मिला दूँ तो हमारी एक ट्रायंगुलर फेस निकल के आती है, और जहाँ पर भी ट्रायंगुलर फेस होगी वहाँ पर हमेशा C3 एक्सिस प्रेजेंट होगी। तो अगर मैं यहाँ पर C3 आपको दिखाना चाहूँ तो C3 कैसे जा रही है, देखिए एक ट्रायंगल ऊपर की साइड आता हुआ बन रहा है और एक ट्रायंगल जो है वो नीचे की साइड जाता हुआ बन रहा है। तो C3 एक्सिस कौन सी हुई, जो इस तरह से जा रही है, यानी ये भी आपकी तरफ से आ रही है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो अगर हमने मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ा हुआ है तो वो C3 कुछ इस, ये वाला ट्रायंगल और जो ये वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल के बीच में से होती हुई जा रही है, यानी कि दो ट्रायंगुलर फेस के बीच में से होती हुई जा रही है। तो वो सबसे ज्यादा अच्छी तरह इसी तरह समझ में आ सकती है जब आप इसको इस तरह से रख देंगे, ठीक है। तो अब जो जा रही है C3 वो कुछ इस तरीके से जा रही है। तो अब इसके अलॉन्ग अगर मैं 120 डिग्री पर रोटेट करूँ तो 120 डिग्री पर रोटेट करने पर क्या होगा, ये वाला एटम इसकी जगह पर आएगा, ये एटम इसकी जगह पर और ये एटम इसकी जगह पर, ऐसे ही नीचे भी होगा, ये एटम इसकी जगह पे जाएगा, ये एटम इसकी जगह पे और ये एटम इसकी जगह पे। देखिए अगर मैं इसको रोटेट कर दे रही हूँ तो क्या चेंजेस हुआ,
तो आपके पास फिर से वही आ गया, वैसा ही स्ट्रक्चर सेम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक, अगर हमारे पास दो ट्रायंगुलर फेसेस के बीच में से एक हमें अगर C3 देखने को मिल रही है और हमारे पास कुल है 8 ट्रायंगुलर फेसेस, तो जब दो ट्रायंगुलर फेसेस में से एक C3 मिल रही है तो इसका मतलब 8 में से हमें कितनी मिलेंगी, 4 C3 एक्सेस मिलेंगी। तो जितनी भी ट्रायंगुलर फेसेस हैं तो ऑपोजिट ट्रायंगुलर फेसेस जो भी होंगी, और ऑपोजिट कैसे हो जाएंगे, जैसे मैंने एक तो आपको दिखाई दी थी ये है, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, एक हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। कैसे भी मतलब जितनी भी ये फेसेस हैं ट्रायंगल, एक ये बन जाएगी, दूसरी ये बनेगी, तीसरी ये, चौथी ये, तो चार तो ऊपर बन रही है और चार ही नीचे बन रही है, और ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ऑपोजिट है। मतलब अगर हम इस ये वाली ट्रायंगुलर फेस देखें और नीचे वाली इसकी ट्रायंगुलर, तो ये ऑपोजिट होंगी। अगर हम ये वाली ट्रायंगुलर फेस देखें और इसके ऑपोजिट देखें तो ये हो जाएगी। तो हर ऊपर वाली फेस के ऑपोजिट में नीचे भी एक ट्रायंगुलर फेस बन के आ रही, जो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगुलर फेसेस के बीच में से अगर हमें एक C3 मिल रही है तो 8 ट्रायंगुलर फेसेस में से हमें कुल मिलाकर 4 C3 एक्सेस मिलेंगी। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें 6 C2 एक्सेस कैसे मिलेंगी, पासिंग थ्रू ऑपोजिट एजेस, यानी कि जो अगर हमने मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ा हुआ है और एज हमने क्या बनाए थे, एज बनाए थे जो हमने फ्लोरीन एटम्स को आपस में मिलाया था। तो देखिए हमें फिर से एक स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, तो स्क्वायर ढूंढने के लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि ऑपोजिट सेंटर्स को आपने, ऑपोजिट एटम्स को आपने पकड़ के रखना है, ठीक है। ये मैंने ऑपोजिट एटम्स पकड़े हुए, तो हमें यहां पर एक स्क्वायर देखने को मिल रहा है, और इस स्क्वायर का ये एक एज है और ये एक एज है, और ये दोनों एज जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। अगर मैं नीचे से पकड़ूं तो देखिए ये वाला एज और ये वाला एज एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ये वाला एज और ये वाला एज एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो हमारी C2 कैसे हो सकती है, एक C2 तो हमारी ऐसे हो जाएगी और दूसरी C2 हमारी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ऑपोजिट एजेस के बीच में हमें एक C2 देखने को मिल रही है, यानी कि अगर दो एजेस हैं तो दो एजेस में हमें एक C2 देखने को मिल रही है। तो अगर हमारे पास 12 एजेस हुई तो इसका मतलब हमें 6 C2 देखने को मिल जाएंगी। तो पहली C2 कैसे हो सकती है, ये C2 का क्या मतलब था, अगर हम मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट करें, देखिए ऊपर वाला एटम और नीचे वाला एटम एक दूसरे से 180 डिग्री पर प्रेजेंट है, तो अगर मैं इसके अलोंग यानी इस वाली C2 के अलोंग इसको रोटेट कर दूं, यानी इस ये ऐसे मैंने रोटेट कर दिया, जैसे सपोज हमारा ऐसे था तो हमारी C2 थी इस तरीके से, तो मुझे जो इसके अलोंग ऐसे तो घुमाना पड़ेगा, तो मैंने मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो हमारी C2 हो गई, यानी कि मैंने 180 डिग्री पर इसको रोटेट किया, तो हमें एक C2 ऐसे देखने को मिल गई। तो ये तो मिली एक C2, अब दूसरी C2 हमें कैसे मिल सकती है, दूसरी हमें यहां से, यानी कि इसके अलोंग मैं ऐसे घुमाऊंगी, तो मैंने मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ा और ऐसे इसको रोटेट कर दिया, तो ये दूसरी C2 मिल गई। तो इस तरह से आपने क्या करना है, C2 ढूंढने का अच्छा तरीका है कि आपने ऑपोजिट एटम्स को पकड़ा और एक स्क्वायर को देख लिया, और स्क्वायर के ऑपोजिट जो एजेस होंगे बस वहां पर एक C2 आपकी बन के आएगी। तो ये तो मैंने आपको दो C2s दिखा दी, ठीक है। अब अगर इसके अलावा मैं ये वाला पकड़ लूं तो हमारा स्क्वायर कैसे बनेगा, हमारा स्क्वायर ये और ये नीचे और ये ऐसे बनेगा। अब हमें C2 ढूंढनी है, कैसे जाएगी C2, इन दोनों एटम्स के बीच में से होती हुई और ये वाले दोनों एटम्स के बीच में से होती हुई निकलेगी और इस सेंटर को क्रॉस करती हुई, क्यों, क्योंकि एज कहाँ बन रही है इसकी, ये वाली एक एज है और ये देखिए ये एक एज ये हो गई इस तरीके से बनेगी, और दूसरी एज जो है वो कुछ अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको तो ये वाली एज ऐसे बनेगी और ये एज ऐसे बनेगी, तो ये इस तरह से एक C2 जा रही है और फिर दूसरी C2 इसी तरीके से। मतलब आपने जैसे ही ऑपोजिट एज सेंटर्स को पकड़ा आपके पास एक स्क्वायर आ जाएगा, बस उस स्क्वायर की जो ऑपोजिट एजेस हैं बस वहां से हमें आपको दो C2 निकालनी है। तो पहला तो मैंने ऐसे पकड़ा था तो हमारा स्क्वायर ये बन के आया था, जब मैंने दूसरी बार पकड़ा तो फिर हमारा स्क्वायर ये बन के आया, और जब मैं अब तीसरी बार इसको ऐसे पकड़ रही हूँ तो तीसरी बार में हमारा स्क्वायर ये और ये और ये बन के आ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी ऑपोजिट एजेस कौन सी हो जाएंगी, इसकी ऑपोजिट एजेस ये वाली और ये नीचे वाली, यहाँ से और ये इसके बीच में से जाएगी, ठीक है, और ऐसे ये वाली और ये बनेगी तो इसके बीच में से जाएगी। तो हर ऑपोजिट एज के बीच में यानी कि दो ऑपोजिट एजेस के बीच में से ये होती भी जा रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 12 एजेस हैं तो इसलिए हमारे पास 6 C2 एक्सेस जो हैं वो मिल जाएंगी। अब आती हैं S4, 3 S4 हैं, S4 कहाँ से जाएगी, S4 के लिए हमें दो ऑपरेशंस कराने होते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, मैं इतनी बार से बता ही रही हूँ। तो S4 के लिए हम क्या करा रहे हैं, S4 के लिए हम C4 और उसका परपेंडिकुलर सिग्मा देख रहे हैं, ठीक है। तो S4 कहाँ से जाएगी, जहाँ से C4 गई थी, ये C4 हमने किसको माना था, हमने C4 माना था इसको,
ये वाले, ठीक है। अब अगर मैं इसके अलोंग इसको घुमाती हूँ, 90 डिग्री पर घुमाना है, C4 का मतलब है मैं मॉलिक्यूल को 90 डिग्री पर रोटेट कर रही हूँ। तो 90 डिग्री पर मैंने इसको रोटेट किया, इस तरीके से रोटेट कर दिया, ठीक है, हमारा मॉलिक्यूल वैसा का वैसा ही रहा। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इस C4 जो थी हमारी, इसका परपेंडिकुलर सिग्मा देखना। तो इसका परपेंडिकुलर कैसे होगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरीके से, यानी इस तरह से जाएगा, इस एटम को, इस एटम को, इस एटम को, इस एटम को, और सेंटर एटम को कट करता हुआ जाएगा और ऊपर और नीचे वाले एटम को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो हमारे मॉलिक्यूल में कोई चेंज तो आएगा ही नहीं, हमें फिर से इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारी पहली, जहां से भी C4 गई है वहीं से हमारी S4 जाएगी। तो हमारी दूसरी S4 कौन सी हो जाएगी, दूसरी S4 ये हो जाएगी, क्योंकि इसके अलोंग भी हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर पे जैसे ही आप 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। और फिर उसका परपेंडिकुलर प्लेन, इसमें हम परपेंडिकुलर प्लेन कैसे लगा सकते हैं, इसका परपेंडिकुलर प्लेन इस तरह से जाएगा, ठीक। ऐसे ही हमारी एक S4 ऐसे भी जा रही होगी, जहां पे मैंने पकड़ा हुआ है बस यही हमारी S4 है, और इस S4 का परपेंडिकुलर प्लेन जो हम देखेंगे वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां से इन चारों मॉलिक्यूल को, ये जो चारों एटम्स है, सॉरी, ये चारों एटम्स को कट करता हुआ, और ये बीच वाले सेंटर एटम को भी कट करता हुआ जाएगा, और इन दोनों एटम्स को जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास 3s4 एक्सिस हो सकती हैं। अब हमारी 4s6 भी है। अब 4s6 कैसे है, वो है अलोंग ईच C3 एक्सिस। देखिए कैसे, जैसे सपोज इसको अगर मैं सबसे पहले आपको पेपर से बताऊं, तो देखिए पेपर में मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है कैसे। S6 के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें C6 यूज करनी है, और उसके बाद हमें उसका परपेंडिकुलर सिग्मा देखना है। और C6 हमें कैसे देखनी होगी, C6 भी हमें ऐसे देखनी होगी जैसे हम C3 को देख रहे थे, हम वैसे ही देखेंगे इसको। देखिए अगर मैंने ये आपके सामने ऐसे मॉलिक्यूल रख दिया, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो तीन एटम्स है ये आपकी तरफ आ रहे हैं, और जो नीचे वाले तीन एटम्स है वो बिलो जा रहे हैं, यानी ये तीनों एटम्स अबव द प्लेन आ रहे हैं और ये तीनों एटम्स बिलो द प्लेन आ रहे हैं। वही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना रखा है, तो देख रहे हैं आप, ये वाले जो हैं, यानी मैंने जो आपको सामने बनाया हुआ था ये कुछ इस तरह से, आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक उल्टा वाई बन के आ रहा है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, यानी अबव द प्लेन है। तो मैंने ये उल्टा वाई बना दिया, और जो सीधा वाई, यानी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर एक तरह से देखने को मिल रहा है, और पीछे की साइड एक सीधा वाई बना हुआ है जो कि बिलो द प्लेन दिखा रखा है। तो मैंने यहाँ पर बिलो द प्लेन एक सीधा वाई भी यहाँ पर बना दिया। अब अगर मैं C6 कर रही हूँ, तो C6 करने का मतलब है मैं मॉलिक्यूल को 60 डिग्री पर रोटेट कर रही हूँ। देखिए अगर मैं 120 डिग्री पर रोटेट करती तो ये वाला एटम इसकी जगह जाता। अगर मैं मान लो इसे 1, ये 2 और ये 3 नंबर दूँ, इसको 4, ये 5 और ये 6 नंबर दूँ, ठीक है। तो अगर मैं 120 पर रोटेट करूंगी तो 1 2 की जगह पे, 2 3 की जगह पे, 3 1 की जगह पे, 5 6 पे, 6 4 पे, और 4 5 पे चला जाएगा। लेकिन मुझे करना है 60 डिग्री पर रोटेट। 60 डिग्री रोटेट करने का मतलब है मुझे 1 को यहाँ ले जाना है, ठीक है, और 2 को मुझे यहाँ ले जाना है, और 3 को मुझे यहाँ पर लेके आना है। तो अब जब मैंने रोटेट किया तो ये मेरा 1 यहाँ पहुँच गया है, ये 2 यहाँ पहुँचा है, और 3 यहाँ पहुँचा है, और मेरा 5 यहाँ पहुँचा है, ये 5 यहाँ पहुँचा है, 6 इधर पहुँचा है, और 5, ये 6 और ये 4 यहाँ पर पहुँच गया है। तो इस तरह से ये रोटेशन हुआ है। अब देखिए मैं रोटेशन करके भी दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर मैंने किया इसको। अब जब मैं इसको 60 डिग्री पर रोटेट कर रही हूँ तो मुझे इस एटम को मुझे सिर्फ यहाँ लेके आना है, मुझे इसको यहाँ नहीं लेके जाना, मुझे सिर्फ इसे यहाँ लेके आना है। तो यहाँ लेके आने का मतलब है कि मैं कुछ इसको इस तरह से रोटेट कर दूंगी। तो ये मैंने रोटेट कर दिया। तो देख रहे हैं आप, जो आपकी तरफ अब एटम आ रहे हैं वो अब सीधा वाई बना रहे हैं, और जो नीचे वाले एटम है वो एक उल्टा वाई बना रहे हैं। और अब मुझे क्या करना है, इस जो मैंने C6 ऐसी तो लगाई थी, तो जो C6 मैंने ऐसे लगाई थी उसका परपेंडिकुलर प्लेन कैसे जाएगा, उसका परपेंडिकुलर प्लेन कुछ इस तरीके से जाएगा, और परपेंडिकुलर इस तरह जाएगा कि वो इस सेंटर एटम को कट करता हुआ जाएगा। और उस कट करने में ये होगा कि जो ये ऊपर वाले एटम है वो तो नीचे दिखाई देंगे, और जो नीचे वाले एटम है वो ऊपर दिखाई देंगे, यानी कि जो ये सीधा वाई है वो अब हमें बिलो द प्लेन दिखाई देगा, और जो ये उल्टा वाई था वो हमें अब अबव द प्लेन दिखाई देगा। तो वही मैंने यहाँ पर सिग्मा लगा के वही मैंने यहाँ दिखाया है कि जो ये बिलो द प्लेन था हमारा, यानी कि हमारा जो एटम थे ये 5 नंबर, और ये हो गया हमारा 6 नंबर, और ये हो गया 4,
और ये है फिर वन नंबर, ये है टू और ये है हमारा थ्री। तो सिर्फ एटम्स का नंबर चेंज हुआ है, लेकिन अगर आप इसको और इसको देखें तो ये इक्वलेंट ओरिएंटेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। यहाँ पर भी अबव द प्लेन जो था वो उल्टा वाई था और बिलो द प्लेन जो था वो सीधा वाई था, और यहाँ पर भी वही हो रखा है, सिर्फ एटम्स का नंबर चेंज है। तो हम कह सकते हैं हमें यहाँ पर एक इक्वलेंट ओरिएंटेशन देखने को मिल गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये जो है हमारी एक एस सिक्स है। तो क्योंकि हमें एक सी थ्री के अलॉन्ग एक एस सिक्स मिली, तो जब हमारे पास चार सी थ्री है तो हमारे पास चार ही एस सिक्स हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो इस तरह से हम यहां पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमारे पास है थ्री सिग्मा एच। अब थ्री सिग्मा एच कैसे हैं? सिग्मा एच कैसे निकालते हैं? जो भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस जो भी हायर ऑर्डर वाली एक्सिस होगी, तो यहां पर जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो सी फोर एक्सिस होगी, और सी फोर एक्सिस हमने ऐसे दिखाई थी। ठीक है, पहली सी फोर मैं आपकी बात कर रही हूं, पहली सी फोर का परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन जो भी होगा वो सिग्मा, प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर प्लेन सिग्मा एच होता है। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इसका परपेंडिकुलर प्लेन कैसे हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर प्लेन हो जाएगा, यानी कि इन सारे एटम्स को और ये सेंटर एटम को कट करेगा और ऊपर वाले और नीचे वाले को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हमारा पास एक जो है थ्री सी फोर है, यानी पहली सी फोर के अलोंग हमें पहला सिग्मा एच मिला, तो दूसरी सी फोर के अलोंग भी हमें दूसरा सिग्मा मिल जाएगा, ये वाला सिग्मा, और तीसरी सी फोर के अलोंग भी हमें तीसरा सिग्मा मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें थ्री सिग्मा एच यहां पर देखने को मिलेंगे जो परपेंडिकुलर है ईच सी फोर एक्सिस। ठीक, अब हमें देखने हैं इसमें सिक्स सिग्मा डी। अब ये सिक्स सिग्मा डी कैसे जा रहे हैं? पासिंग थ्रू ऑपोजिट कॉर्नर्स एंड बाइसेक्ट्स टू ऑपोजिट एजेस, यानी कि आपने मॉलिक्यूल को ऐसे ले रखा है जहां से भी आपने सी टू पास की थी, अब वहीं से सिग्मा डी भी जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक प्लेन हमारा कैसे दिखा सकते हैं, हमने सी टू कैसे निकाली थी? हमने क्या करा था, बस ऑपोजिट वाले कॉर्नर्स को पकड़ा था, जहां भी स्क्वायर बन के आया था उसके ऑपोजिट एजेस को कट करती हुई सी टू जा रही थी। तो देखिए एक सी टू यहां पर ऐसे जा रही थी और दूसरी सी टू हमारी कुछ इस तरह से जा रही थी, तो यहीं से अब हमारा सिग्मा प्लेन भी जाएगा। सिग्मा प्लेन कैसे जाएगा? ऑपोजिट एजेस को कट करता हुआ जाएगा, इस तरह से कट करेगा, यानी कि इस एटम को कट करेगा, इस एटम को कट करेगा और इस एटम को, ऐसे ये कट करता हुआ चला जाएगा। और ये जो एजेस थी यहां पर, यानी एक एज ऐसे थी और एक एज ऐसी थी, तो इसको कट करता हुआ चला जाएगा ये सिग्मा, और ये दोनों एटम एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे और ये दोनों एटम एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो पहला सिग्मा डी तो ऐसे मिलेगा और दूसरा सिग्मा डी, ये वाली जो ऑपोजिट, ये वाली एक एज थी और ये वाली एक एज थी, तो इनको कट करता हुआ चला जाएगा। तो जब ये इनको कट करता हुआ जाएगा तो फिर अब की बार भी यही तीनों एटम्स तो जो है कट हो जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो हमने क्या देखा कि दो ऑपोजिट एजेस के बीच में हमें यहां पर जो है दो ऑपोजिट एजेस के बीच में हमें एक सिग्मा डी जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हमारे पास 12 एजेस हैं तो हमें क्या मिलेंगे? 6 सिग्मा डी मिल जाएंगे, यानी दो एजेस के बीच में एक मिल रहा है तो 12 के बीच में हमें 6 सिग्मा डी मिलेंगे। तो ठीक, आप इसको जैसे आप जहां से आपने सी टू लगाई है, हर सी टू मैंने आपको बताई दी है पहले भी, आपने ये पकड़ा पहली, तो जहां सिग्मा डी, अब इसमें हम कैसे करेंगे, पहला सिग्मा डी ये हो जाएगा और दूसरा सिग्मा डी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसको पकड़ लिया पहला, इसका भी एक सिग्मा डी ऐसे जाएगा और दूसरा सिग्मा डी यहां से जाएगा, जो ऑपोजिट एजेस है बस उसी को कट करता हुआ। फिर हमने इसको पकड़ लिया, फिर हम क्या कर रहे हैं, पहला एक सिग्मा डी यहां से जाएगा ऐसे कट करता हुआ और दूसरा सिग्मा डी यहां से जाएगा, तो हमारे 6 सिग्मा डी जो है हमें यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें आई कैसे है? आई तो हमने क्या कहा था, हम यहां कोई भी एटम हम पकड़ लें कॉर्नर का, हमने यहां से गए सेंटर की तरफ, बस सेंटर से, और सेंटर से जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी जब हम, ये हमारा ऊपर की साइड है, ऊपर से जब हम नीचे गए और नीचे से सेंटर की तरफ गए और सेंटर से जब नीचे की तरफ गए, तो हमें सेम एटम मिला। हमने यहां से राइट से लिया, सेंटर की तरफ गए, लेफ्ट की तरफ बढ़े, तो हमें सेम एटम लिया। हम यहां से जा रहे हैं पीछे की तरफ जा रहे हैं, जब हमें पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें सेम एटम मिल रहा है। तो हम जिस भी एटम से शुरू कर रहे हैं, सेंटर की तरफ जाते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सेम एटम मिल रहा है, तो इसलिए यहां पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी है, और ई तो यहां पर है ही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये हमारे टोटल हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स थे वो कुछ इस तरीके से निकल के आए। तो अब टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस में अगर आप देखें कैसे निकालेंगे, थ्री सी फोर है तो थ्री, ये जो शुरू के नंबर्स हैं वो तो हम एज इट इज ही लिख दिए हैं, क्योंकि उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है, बस हमने सी फोर के लिए ऑपरेशंस देख लेने हैं, सी थ्री के लिए, सी टू के लिए।
C4 के लिए मैंने आपको बताई दी, आप तो मेरे को दोबारा से बताने की जरूरत भी नहीं। यहाँ पर n माइनस वन ऑपरेशन होते हैं तो यहाँ पर 3 ऑपरेशन हो जाएंगे। C3 है तो इसके 2 ऑपरेशन हो जाएंगे, C2 है तो इसका 1 ऑपरेशन होगा, S4 है इवन नंबर है तो n डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 ऑपरेशन होंगे। S6 है, S6 के बारे में मैंने आपको बताया भी अपनी, मैंने जब टोटल नंबर ऑफ ये एसोसिएटेड ऑपरेशन ऑफ SN बताए थे तो वहीं पर मैंने आपको पूरा S6 का पूरे ऑपरेशन लिखे हुए हैं, तो वहां पर जाकर आप चेक कीजिएगा। यहाँ पर भी हम 6/2 करेंगे, टोटल हमें 3 ऑपरेशंस मिलेंगे, लेकिन उसमें से एक ऑपरेशन क्योंकि आई होता है और आई हम इसमें इंक्लूड कर चुके हैं तो इसलिए हम यहां पर आई को हटा देंगे, इसलिए हमने यहां पर 2 ऑपरेशंस लिखे हैं, तो इसलिए टोटल ऑपरेशंस हमारे यहां पर 2 निकल के आएंगे। सिग्मा के लिए हमेशा 1 ऑपरेशन होता है, सिग्मा के लिए यहां पर भी 1 ऑपरेशन है, आई के लिए 1 ऑपरेशन है और ई के लिए भी 1 ऑपरेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हम काउंट करेंगे तो हमारे 48 निकल के आते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस, तो इसलिए यहां पर ऑर्डर होता है ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप का 48। तो ये पूरा ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप था। आई होप कि आपको कुछ समझ में आएगा, बस ये ज्योमेट्री आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जब तक आपको स्ट्रक्चर इमेजिन करना नहीं आएगा तब तक आप इसको बना नहीं सकते हैं, तो ये आप थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश तो की है, बाकी आप थोड़ा सा अपने आप से भी इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी पॉइंट ग्रुप्स हमने पढ़े हैं उसकी थोड़ी सी मैं एक समरी आपके सामने रख देना चाहती हूँ कि हमने ना 3 टाइप के अभी तक पॉइंट ग्रुप्स, 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स को एक्चुअली स्टडी किया। एक थे मॉलिक्यूल्स ऑफ लो सिमेट्री, दूसरे थे मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई सिमेट्री और तीसरे थे मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पेशल सिमेट्री। अब ये लो सिमेट्री और हाई सिमेट्री हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स जहां पर कम देखने को मिल रहे हैं वो लो सिमेट्री हैं, जहां पर नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट थोड़े ज्यादा देखने को मिल रहे हैं तो वो हाई सिमेट्री मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लो सिमेट्री कौन से होते हैं वो सब मैंने यहां पर बना दिया है, पॉइंट ग्रुप लिख दिए सिमेट्री एलिमेंट्स और उनका ऑर्डर, और ये सब तो मैं आपको समझा भी चुकी हूं, C1, CS, CI सबके सिमेट्री एलिमेंट्स और ये सब बता दिया है मैंने आपको। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई सिमेट्री में 3 टाइप के पॉइंट ग्रुप आते हैं, CN टाइप, DN टाइप और SN टाइप। CN टाइप में हमने पढ़ चुके हैं CN, CNB, CNH और उन सबके ये मैंने सिमेट्री एलिमेंट्स लिख दिए। यहां पर I के नीचे मैंने लिखा है N इज इक्वल टू E1, यानी कि जब N का नंबर E1 होगा तभी I प्रेजेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, पर ये सब मैं पहले आपको बता चुकी हूं, तो ये सिर्फ समरी है एक तरीके से। आप एक बार इसको अगर अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो फिर आपको पॉइंट ग्रुप निकालने में थोड़ा ईजी पड़ जाएगा, और ये इनका ऑर्डर लिख दिया है। फिर DN टाइप में DN, DND, DNH ये सब मैंने लिखा है। यहां पर I जो है तब प्रेजेंट होगा जब n इज इक्वल टू ऑड होगा, और यहां पर i तब प्रेजेंट होगा जब n इज इक्वल टू इवन होगा, और इनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से निकल के आया, ठीक है। अच्छा, और इन सारे पॉइंट ग्रुप्स में आपको सारे सिमेट्री एलिमेंट सिर्फ याद करने जरूरी नहीं, आपको देखना भी आए, देखने के लिए आपको सिर्फ CN, C2, सिग्मा आना चाहिए, बाकी सब उसी से आपका जो है पॉइंट ग्रुप निकल के आ जाता है। कि जैसे मान लो आपको DNH ही निकालना है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी भी कि आप शॉर्ट में कैसे मॉलिक्यूल को देख के आप निकाल सकते हैं पॉइंट ग्रुप्स को, तो अभी तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट ग्रुप्स हमने स्टडी किए हैं। तो अब SN टाइप पॉइंट ग्रुप और था जिसमें N इज इक्वल टू जब E1 होगा तभी हम SN टाइप पॉइंट ग्रुप देखेंगे। इसके भी सिमेट्री एलिमेंट्स मैंने यहां लिख दिए हैं कि E होगा CN by 2 plus SN, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं E है CN है तो S2N होगा, ऑर्डर इसका N हो जाएगा। मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री में हमने पढ़े थे लीनियर और इनफाइनाइट ग्रुप्स, इनको बोल देते हैं C इन्फिनेटिव V और D इन्फिनेटिव H। और फिर हमने देखे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ये मॉलिक्यूल्स थे कंटेनिंग मल्टीपल हायर ऑर्डर एक्सेस, जिनके पास हायर ऑर्डर एक्सेस एक से ज्यादा थी, जैसे C4 अभी हमने बात करी थी ऑक्टाहेड्रल के केस में, यहां पर C4 है 3 है, ठीक है ना, तो इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो अभी तक जो इससे पहले हम मॉलिक्यूल्स जब पढ़ते चले आए हैं तो उसमें हमें एक ही टाइप की हायर ऑर्डर एक्सेस मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल हायर ऑर्डर एक्सेस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहले आता है टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप, फिर आता है ऑक्टाहेड्रल और फिर आता है इकोसाहेड्रल। हालांकि इकोसाहेड्रल पॉइंट ग्रुप मैंने आपको समझाया नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन फिर भी बस मैंने आपको इसके बारे में इसके ऑर्डर बता दिया, क्योंकि कई बार अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी टिपिकल सी ज्योमेट्री होती है, पेंटागन्स होते हैं ऊपर और नीचे, वो सब आपस में ज्वाइन होते हैं। तो जैसे अगर आपने फलिरीन कभी देखा हो, मतलब के स्टडी किया हो, तो कार्बन का एलोट्रॉप होता है C60 फलिरीन, तो वो उसमें आइकोसाहेड्रल पॉइंट ग्रुप देखने को मिलता है। तो अगर हम इसमें बात करें टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप की, तो जिसमें क्या होगा, हमारे पास C3 एक्सिस एक से ज़्यादा हमें देखने को मिली थी, ये मैंने आपको दिखाया भी था, तो टेट्राहेड्रल का ऑर्डर था 24। अगर हम टेट्राहेड्रल में से जितने सिग्मा डी हैं उनको हटा दें तो जो हमारे पास पॉइंट ग्रुप बचेगा वो बचेगा टी, और तब उसका ऑर्डर हो जाएगा 12। और इसी टी में अगर हम सिग्मा एच इंक्लूड कर दें तो हमारा जो पॉइंट ग्रुप बनेगा TH और उसका ऑर्डर हो जाएगा 24। हालांकि ये भी मैंने आपको नहीं बताया, पर ये सिर्फ आपको ऑर्डर अगर आप याद रखें तो ज़्यादा सही है इसमें।
और फिर ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप में थी, अभी हमने देखा ही मल्टीपल सी फोर एक्सेस थी, इसको हम क्यूबिक पॉइंट ग्रुप भी बोल देते हैं। और ऑक्टाहेड्रल का ऑर्डर 48 हमने देखा ही, और अगर इसमें से हम सिग्मा एच को हटा देंगे तो ओ जो है हमारा पॉइंट ग्रुप निकल के आएगा और इसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे ही हम सिग्मा एच हटाते हैं हमेशा, या सिग्मा हटाएंगे, सिग्मा प्लेन जो हटाएंगे, हमारा जो ऑर्डर है वो जस्ट हाफ हो जा रहा है, ये आप नोटिस भी कर रहे होंगे। और आइकोसाहेड्रल में ऑर्डर है 120, लेकिन जैसे ही सिग्मा एच हटेगा इसका जस्ट हाफ इसका ऑर्डर हो जाता है। अब हम यहाँ बस छोटा सा एक टॉपिक बस इस तरह से कि आप मॉलिक्यूल को देखकर सबसे पहले कैसे पॉइंट ग्रुप निकालना सीखेंगे। तो अगर सबसे पहले तो देख लीजिए, अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है, तो अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है तो उसमें आप चेक कीजिए कि क्या उसमें आई प्रेजेंट है। अगर उसमें आई प्रेजेंट है तो उसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा डी इन्फिनिटिव एच, और अगर नहीं है तो हो जाएगा सी इन्फिनिटिव वी। बस इतना सा देख लीजिए, बाकी आप सिमिट्री एलिमेंट्स उसके सिर्फ याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार सिमिट्री ऑपरेशंस लिखने को आते हैं या ऑर्डर लिखने को आता है, तो ऑर्डर आपको तभी निकाल सकते हैं जब आपको टोटल नंबर ऑफ सिमिट्री ऑपरेशंस पता होंगे। तो पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए जरूरी नहीं है आपको सारे सिमिट्री एलिमेंट निकालने आने चाहिए, लेकिन हाँ उसके पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर निकालने के लिए आपको सारे सिमिट्री एलिमेंट्स और उनके सिमिट्री ऑपरेशंस याद होने चाहिए। लेकिन अगर पॉइंट ग्रुप देख के आपको मॉलिक्यूल को निकालना है तो फिर बस ये कुछ थोड़ा सा हिंट है, ये इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो लीनियर में तो हमने देख लिया ये, लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है तो सबसे पहले आप उसमें देखेंगे सी एन एक्सिस कि क्या उसमें सी एन प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर उसमें सी एन प्रेजेंट नहीं है तब आप उसमें चेक कीजिए कि क्या कोई सिग्मा प्रेजेंट है। तो अगर उसमें कोई सिग्मा है तो पॉइंट ग्रुप हो गया सी एस, अगर सिग्मा ना होके कोई आई प्रेजेंट है तो पॉइंट ग्रुप हो गया सी आई, और अगर ना तो सिग्मा है ना आई है तो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी वन। तो ये तो हो गया जब सी एन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर सी एन प्रेजेंट है तो अगर उसमें एस टू एन प्रेजेंट है और उसके अलावा और कुछ नहीं प्रेजेंट है तो फिर आपका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा एस एन। लेकिन अगर सी एन में आपने देखा एस टू एन तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्या उसमें सी टू प्रेजेंट है, तो सी एन के साथ सी टू प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अगर नहीं है प्रेजेंट तब आप उसमें देखेंगे कि क्या उसमें सिग्मा प्रेजेंट है, तो सिग्मा या तो प्रेजेंट होगा या नहीं प्रेजेंट होगा। तो अगर नहीं प्रेजेंट हुआ तो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी एन, लेकिन अगर प्रेजेंट हुआ तो आपको सिर्फ सिग्मा एच चेक करना है कि सिग्मा एच है या नहीं है। तो अगर सिग्मा एच हुआ तो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी एन एच, और अगर नहीं हुआ तो सी एन वी। देखिए जब भी किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा एच या सिग्मा वी दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हम सिग्मा एच को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग उसका पॉइंट ग्रुप बना लेते हैं। अच्छा ये तो बात हुई कि जब जीरो सी टू थी, कोई सी टू प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन हमने सी एन थी हमारे में और हमने देखा कि उसमें सी टू भी प्रेजेंट है, और अगर सी टू प्रेजेंट होगी, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सी एन होती है तो उसमें एन सी टू जो है वो प्रेजेंट होती है, फिर हमें एन सी टू से ये चेक करना है कि क्या उसमें सिग्मा प्रेजेंट है। तो अगर उसमें सिग्मा नहीं है प्रेजेंट तो हमारा पॉइंट ग्रुप हो जाएगा डी एन, लेकिन अगर उसमें सिग्मा प्रेजेंट है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सिग्मा एच है। तो अगर वो सिग्मा एच हुआ तो पॉइंट ग्रुप हो गया डी एन एच, और अगर सिग्मा एब्सेंट हुआ तो पॉइंट ग्रुप हो गया हमारा डी एन डी। तो ये एक थोड़ी सी स्कीम है, आप इसको देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि किस तरह से आप जब मॉलिक्यूल आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, तो ये उसी हिसाब से आपको बना रखा है। तो मेनली आपको सी एन सी टू सिग्मा ही चेक करना होता है, बाकी एस एन वगैरह या आई वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं। आई आपको चेक करना है जब मॉलिक्यूल लीनियर है, अदरवाइज तो आई चेक करना तो बहुत इजी होता है, आपने कोई भी कॉर्नर से शुरू करेंगे, किसी भी एटम से शुरू करेंगे, बस सेंटर की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ जब मूव करेंगे तो आपको सेम वो मिल जाएगा एटम, तो आई प्रेजेंट होगा। हाँ एस एन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए अगर एस एन नहीं भी समझ में आ रही है तो आपको बाकी सब पॉइंट ग्रुप में कहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको एस एन नहीं भी समझ में आ रही कि कैसे हम ढूंढ रहे हैं उसको, लेकिन आपको सी एन समझ में आ रहा है, सी टू समझ में आ रहा है, सिग्मा समझ में आ रहा है, तो आप पॉइंट ग्रुप निकाल पाएंगे। और अगर पॉइंट ग्रुप के आपको सिमिट्री एलिमेंट्स याद होंगे तो सिमिट्री ऑपरेशंस आप निकाल सकते हैं इजीली वहां पर। तो ये पूरा था आज, पॉइंट ग्रुप हमारे टोटली खत्म होते हैं, जितने भी पॉइंट ग्रुप थे वो सब मैंने आपको समझा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।